नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल खबर 9। मैं हूं अनिल कनौजिया। शुरुआत करते हैं जनपद के इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों से। खबर पीलीभीत जनपद से है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद में हुए सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए मृतकों के शोकाकुल परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को इस हादसे में घायल हुए लोगों का समुचित उपचार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा संवेदना व्यक्त करते हुए मृतक के परिवारों को 5 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए पूर्ण सहयोग देने हेतु आश्वस्त किया है। दुर्घटना में घायल हुए लोगों के स्वास्थ्य के हालचाल लेने हेतु जिलाधिकारी पुलकित खरे व सदर विधायक संजय सिंह गंगवार जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में भर्ती दुर्घटना में घायल हुए लोगों से बातचीत करते हुए उनके स्वास्थ्य में सुधार के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा उनकी सभी घायलों को आश्वस्त करते हुए कहा, जिला प्रशासन एवं सरकार की तरफ से पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा चिकित्सा अधिकारियों को उचित से उचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया तथा आए परिजनों को भी ध्यान में रखने के लिए निर्देश दिए तथा किसी प्रकार की समस्या आने पर तत्काल अवगत कराए जाने की बात कही। इस दौरान अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर CM चतुर्वेदी सहित अन्य डॉक्टर उपस्थित रहे। महिला पुलिस कर्मियों द्वारा छोटे बच्चों को साथ लेकर ड्यूटी करने संबंधी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए छोटे बच्चों के खेलने एवं देखभाल हेतु क्रेच का अनावरण किया गया। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पवित्र मोहन त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी सदर उत्तम सिंह, क्षेत्राधिकारी नगर वीरेंद्र विक्रम, प्रतिसार निरीक्षक नरोत्तम सिंह, पेशकार अजय चौहान आदि लोग मौजूद रहे। पीलीभीत जनपद से निजामुद्दीन की रिपोर्ट। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।